हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रोग्राम करेंगे टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम कहते हैं, राइट? सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप कैसे निकालोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट? अगर हम प्रॉपर मैथ्स वाला मेथड देखें तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि अगर उसमें आपको दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, और मान लो वो दो नंबर्स हैं 50 और 60, तो अगर आपको याद हो तो आप जूनियर क्लासेस में कैसे करते थे, इसको नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, है ना? मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 25 आ गया, यहाँ 30 आ गया। आप देखा तो ये 2 से तो दोनों डिवाइड नहीं होते, लेकिन एक तो होता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड किया, ये रह गया मेरे पास 15। अब देखा तो 2 से दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं होता। फिर मैंने 3 से कोशिश की, हाँ होता है, ये होता है, तो यहाँ 5 आ गया। फिर मैंने देखा 2 से दोनों ही नहीं होते, 3 से नहीं होते, 4 से नहीं होते, 5 से होते हैं, तो मैंने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 आ गया। अब फिर से 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 और यहाँ तो 1 था ही। सो वी गेट इट लाइक दिस, ठीक है? ये आ गया मेरे पास। तो जब नीचे दोनों 1 आ जाते हैं, तो ये जितने भी नंबर्स हैं, इनका आप क्या करते हो, प्रोडक्ट निकाल लेते हो। सो इनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, इनको मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आएगा दैट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एक ऐसा नंबर जो बड़ा है लेकिन वो दोनों नंबर से डिविजिबल है, वो 50 से भी डिविजिबल है और वो 60 से भी डिविजिबल है, इसीलिए वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। सो ये कितना आ रहा है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 5 is 300. सो 300 एक ऐसा नंबर है जो 50 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है? दूसरा तरीका इसको करने का आप क्या कर सकते थे, अगर आपको ये काम करना होता तो अनदर ऑप्शन कुड बी दिस, कि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, वो जो आएगा वो सबसे बड़ा मल्टीपल होगा इनका, है ना? सो 50 × 60 अगर मैं कर लेती हूँ तो वो तो आता है मेरे पास 3000, 3000। सो 3000 इज द हाइएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो रहा है ना? अब हम क्या कर सकते हैं कि या तो ये ऐसे फैक्टर्स निकालें, हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाएं, कर सकते हैं, ये लॉजिक भी लग सकता है, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये लॉजिक आपके लिए सोचना। दूसरा लॉजिक ये है कि भाई ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा 1 से शुरू कर लेते हो, आप 1 से लेके यहाँ तक लूप लगा लो, बीच में चेक करते रहो कि जो भी नंबर लूप में आ रहे हैं क्या वो इन दोनों से डिविजिबल है। जहां आपको पहला नंबर मिल जाए जो इन दोनों से डिवाइड होता, तो वहां पर आप क्या करते हो, ब्रेक। सो वी कैन ब्रेक ओवर देयर। सो मैक्सिमम इतनी बार चल सकता है, लेकिन अगर पहले कोई नंबर मिल गया जो दोनों से डिवाइड होता है तो हम ब्रेक कर देंगे। मैं थोड़े छोटे नंबर्स के साथ एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो हमारे पास अभी यहाँ पर एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 8, ठीक है? आपको निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ा नंबर जो हो सकता है वो 80 हो सकता है, ठीक है? अब आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर से अपना लूप शुरू कर सकते हो, या 1 से शुरू कर लो, आपकी मर्जी है। अगर मैंने 1 से शुरू किया है तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ ऑफ दीज, देन 2 इज नॉट डिविजिबल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इससे डिविजिबल है लेकिन इससे नहीं है, 10 इससे डिविजिबल है लेकिन इससे नहीं है, 11, 12 करते करते 16 आएगा, 16 8 से डिवाइड होता है पर 10 से नहीं होता, ठीक है? फिर 20 आएगा, वो इससे डिवाइड होता है लेकिन इससे नहीं होता, ऐसे ही आपके पास करते 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 40 तक आप पहुंचोगे। तो 40 एक ऐसा नंबर आएगा जो 8 से भी डिविजिबल है एज वेल एज 10 से भी डिविजिबल है। तो 40 आपका 10 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, सो दिस विल बी योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हम यहीं पर ही ब्रेक कर देंगे, हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है? बाय चांस कोई ऐसे नंबर होते हैं जैसे 3 और 7 है, तो इसका 21 आता है मल्टीपल। अब आप चलते रहो यहाँ 1 से लेकर 21 तक, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होता हो, लेकिन 21 तो मिलेगा ना इनमें जाके। सो 21 जो कि आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, वही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हो जाएगा, ठीक है? सो ये लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर कोड लिख सकते हैं टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो उसके लिए मैंने दो नंबर्स ले लिए, n1, n2, एक वेरिएबल ले लिया एलसीएम और एक वेरिएबल ले लिया लूप चलाने के लिए, ठीक है? देन हमने यूजर से पूछा एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, दो बार परसेंटेज डी लिखोगे, फिर आप लिखोगे m%n1 m%n2, ठीक है? सो आई राइट m%n1 m%n2, और फिर मैंने यहाँ पर एक लूप लिया i जो कि 1 से शुरू हो रहा है
जा कहां तक रहा है एन वन मल्टीप्लाइड बाय एन टू तक आई प्लस प्लस, और इसके अंदर आप चेक कर लोगे, क्या चेक करोगे, इफ ये जो आई है दिस इज डिविजिबल बाय एन वन एट जो आई है दिस इज डिविजिबल बाय एन टू एज वेल, तो आपका जो आई है वो एन वन से भी डिविजिबल है और एन टू से भी डिविजिबल है, दोनों नंबर से डिविजिबल है. अगर वो दोनों से डिविजिबल है सो आई हैव फाउंड द एलसीएम, तो आप चाहे तो एलसीएम वेरिएबल में उसको स्टोर करो या नहीं भी करो, एनी हाउ यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट ऑल्सो. सो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं एलसीएम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी. सो एलसीएम ऑफ एन वन एन टू इज दिस, एंड आई डोंट हैव टू कंटिन्यू द लूप सो आई कैन ब्रेक ओवर हियर. ठीक है, अगर मैं ब्रेक नहीं करूंगी तो जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं सारे प्रिंट हो जाएंगे. सो मैं आपको वो भी अभी रन करके दिखाती हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो कि ब्रेक का यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है. सो अगर आप यहाँ पर दो नंबर्स एंटर करते हो, लेट्स से हमने 8 और 10 ही एंटर किया, तो एलसीएम आ गया 40. लेकिन अगर आपका ब्रेक वहां पर मिसिंग होता, अगर ये ब्रेक यहाँ पर नहीं होता, कमेंट कर दिया मैंने इसको, दो इट्स अ सी प्लस प्लस कमेंटिंग स्टाइल बट चल रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब आपने यहाँ पर 8 और 10 अगर एंटर किया होता तो 40 एंड 80 दो मल्टीपल है. अगर मैं कुछ और एग्जीक्यूट करती, लेट्स से आई हैव 100 एंड 200, सो वी हैव सो मेनी ऑफ देम, कितने सारे हैं. लेकिन आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था और वो होता 200. सो 200 होता तो आपको पहला ही जब मिल जाए उसी टाइम पे आपको ब्रेक करना है. सो दैट्स व्हाई वी हैव ब्रेक, बिकॉज वी आर फाइंडिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, वो पहले वाले में भी कॉमन हो दूसरे वाले में भी कॉमन हो, यू हैव टू स्टॉप ओवर देयर. सो जब आपको पहला नंबर मिल जाता है जो एन वन और एन टू दोनों से डिवाइड होता है, दैट इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आप उसको प्रिंट कर सकते हैं और अपना कोड वहीं पर खत्म कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लूप्स. जो दूसरा मेथड है आप वो भी ट्राई कर सकते हो, पर उसमें आपका काफी लंबा कोड हो जाएगा, उसमें आपको व्हाइल लगाना पड़ेगा कि while n1 is not equal to 1 and n2 is not equal to 1, मतलब जब तक दोनों में से कोई भी एक नॉट वन है तब तक लूप चलता रहे और हम 2 से 3 से 4 से डिवाइड करते के देखते रहेंगे, और फैक्टर्स इकट्ठे तो स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए जिसमें 1 रखोगे, फिर उन फैक्टर्स को आप प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते रहोगे, एंड में आपके पास रिजल्ट आएगा. सो दिस इज अ बेटर एंड एन ईजियर ऑप्शन, सो वी कैन गो दिस वे. पर आप चाहो तो वो आप अपने लिए ट्राई कर सकते हो, और अगर ट्राई करोगे तो कमेंट्स में मुझे जरूर सॉल्यूशन लिख के दिखाना कि यस मैम हमने उस तरीके से भी बना लिया. सो दैट इज अप टू यू. आई वुड से आई वुड रिकमेंड कि आपको ट्राई करना चाहिए, उससे आपके सिर्फ लॉजिक्स ही स्ट्रांग होंगे, आपको फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा. ठीक है, सो गो अहेड ट्राई इट दैट वे ऑल्सो. And this is the program for LCM. जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, share it with all your friends who are learning coding and subscribe the channel. Bye for now.